नमस्कारम दोस्तों। पहले हमारे देश में एक बहुत अच्छी परंपरा हुआ करती थी कि जो भी मांगने वाले आते थे, बाबा के भेष में मांगने वाले आते हैं, आज भी आते हैं, तो एक नियम था कि जो घर की गृहिणी उन्हें कुछ डालने आती थी, वो घर की देहरी को पार नहीं करती थी, घर की देहरी के भीतर ही खड़े होकर के उस बाबा की झोली में कुछ डालती थी, और वो बाबा भी घर की देहरी के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसा नियम था। लेकिन समय बदला और बाबाओं ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर वो बाबा पूछकर घर में आने लगे कि क्या हम आपके घर में भोजन करने या कुछ लेने आ सकते हैं। तो पूछ करके उनका घर में प्रवेश होना शुरू हुआ। उसके बाद और समय बदला तो फिर बाबा बताकर घर आने लगे। अब वो बता देते हैं कि मैं उस दिन आऊंगा और इस तरीके से मेरी स्वागत की ये तैयारी रखना। और अब बाबा इतने दबंग हो गए हैं कि वो कभी भी आपके घर में आ धमकते हैं, और जिसके घर में आ धमकते हैं उसकी हिम्मत नहीं कि पूछ ले कि बाबा जी आप क्यों आए हैं। वैसे यदि देखा जाए तो कुत्तों में और बाबा के भेष में आने वाले में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। जो एक सबसे बड़ा मूलभूत अंतर है वो ये है कि कुत्ता वफादार होता है और बाबा वफादार नहीं होता। कुत्ता भी मर्यादा भंग करता है। कुत्ता तब तक शरीफ दिखता है जब तक आपकी नजरों के सामने है, और जैसे ही आपकी नजर हटी तुरंत कुत्ता रसोई में घुस करके कब किन बर्तनों में मुंह मार दे, कब किस खाने पीने की चीज को जूठा कर दे, कोई भरोसा नहीं। वैसे ही इन बाबाओं का है, कब आपके घर में घुस करके आपके घर पर अपनी मालकियत बनाने लगें, आपके गुरु बन बैठें और आपके घर को खोखला करने लगें, इनका कोई भरोसा नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी है, उससे आपको यह प्रसंग बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कुत्तों में से किसी कुत्ते को ज्ञान हो गया और वह कुत्ता सभी कुत्तों का धर्मगुरु बन बैठा। अब वो सभी कुत्तों को उपदेश देता है, उन्हें समझाता है कि मेरे भाइयों आप भौंकना बंद करो, इस भौंकने के कारण ही जो हमारा कुत्ता समाज है उसका पतन हुआ है, और इस भौंकने के कारण ही हमें अपयश सहना पड़ता है। कुत्तों को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थीं, कोशिश भी करते थे कि भौंकना बंद कर दें, लेकिन जैसे ही कोई ये कुत्ता भौंकता था तो सारी उसकी बातें भूल जाते थे और भौंकने लगते थे। कुत्तों को अपने गुरु की बातें सुनते सुनते बहुत समय हो गया था, तो सब कुत्तों ने सोचा कि एक बार तो गुरु की बात जरूर माननी चाहिए। और पूर्णिमा की रात्रि थी, सभी कुत्तों ने संकल्प किया कि आज की रात में किसी भी कुत्ते को नहीं भौंकना है, और सारे कुत्ते अपना मुंह दबाकर लेट गए। अब उनका जो धर्म गुरु था वह सभी गलियों में घूमता फिरे, देखे कि आज सारे कुत्ते कहाँ मर गए, किसी के भी भौंकने की आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया, सारे शहर में सन्नाटा क्यों है। लेकिन कहीं भी उसे कोई कुत्ता ना दिखाई दे और ना किसी के भौंकने की आवाज आए। अब जो कुत्ता था जो धर्म गुरु बन बैठा था उसके गले में खुजली होना शुरू हुआ, अब उससे रुका ना जाए, भौंकने के लिए वो बड़ा व्याकुल होने लगा और डांटता रहा डांटता रहा, और जब ना डटा गया तो उसने भौंक दिया। और जैसे ही उस धर्मगुरु ने एक बार भौंका तो सारे कुत्ते तो अपनी भौंक को दबाए पड़े थे, एकदम इतनी भौंक हुई कि आज तक कभी भी उस शहर में इतनी कुत्तों की भौंक नहीं हुई थी। और भौंकने के बाद में जब कुत्तों को होश आया तो सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि किसने हमारा व्रत तोड़ा, किसने हमारा व्रत तोड़ा, वो धर्मगुरु सामने खड़ा था। अब कुत्तों को तो पता नहीं है कि इसने ही सबको भौंकने के लिए प्रेरित किया है, इसकी भौंक से सब कुत्ते भौंके हैं। तो वो धर्मगुरु मौका का फायदा उठाता है और कहता है, तुम कुत्तों से कभी भी कोई व्रत नहीं होगा, तुमने आज फिर कुत्ते समाज की नाक कटवा दी। तो ऐसे ही भेष बदलकर जो ढोंगी बाबा
धर्म का, ज्ञान का, सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का, आनंद का खूब उपदेश देते हैं, लेकिन वो कुछ भी उनके भीतर नहीं होता है। और वैसे ही तुम यदि उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले यही तुम्हारे व्रत को खंडित करने वाले होते हैं। और जैसे इन कुत्तों को बगैर भौंके चैन नहीं पड़ता है, वैसे ही इन ढोंगियों को भी बगैर बोले चैन नहीं पड़ता है। यदि ये ना बोलें तो इनके गले में खुजली होने लगती है। इसलिए दोस्तों, यदि हमें धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले धर्मात्मा के रूप में छिपे हुए इन रावणों को हमें पहचानना होगा। और इन रावणों को पहचान करके हमें इन्हें इनकी जगह पर भिजवाना पड़ेगा, तब हमारे धर्म की रक्षा हो पाएगी। ढोंगी रूप बदलकर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को खंडित कर रहे हैं। इनसे हमें बहुत सुरक्षित और सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद।